में क्या करने का, डिफरेंशिएट और डिवीजन में इंटीग्रेशन। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, तो देखो मैंने क्या बोला था, लाप्लास सिर्फ एक ही फंक्शन करता, बाकी सब प्रॉपर्टी है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, मतलब इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाई टी, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालो, क्या है साइन स्क्वायर टी, वन बाई टी को भूल जाओ, मेरे को आना है इसको इंटीग्रेट करना है, जो भी आंसर आएगा। लाप्लास साइन स्क्वायर टी का आता है, क्या फॉर्मूला साइन स्क्वायर टी का, वन माइनस कॉस टू टी बाई टू, ठीक है। हाँ, वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर लिया, लाप्लास ऑफ वन माइनस कॉस टू टी बचा, क्या आएगा हाफ वन बाय एस माइनस एस अपन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है। तो अभी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी, हाँ तो क्या प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ना, बोला ना अपॉन टी आएगा मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर लो, है ना, ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, हाफ कॉन्स्टेंट है ना, अच्छा इंटीग्रेशन वन अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इफ न्यूमरेटर इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर क्या आता है लॉग ऑफ न्यूमरेटर ना, इफ न्यूमरेटर इज अ डेरिवेटिव, ये तो वन बाय एस का तो लॉग एस आ जाएगा डायरेक्टली। इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस फोर है, इसका डायरेक्टली क्या आएगा टू एस, तो मेरे को टू एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू मल्टीप्लाई एंड टू डिवाइड ना, टू मल्टीप्लाई किया टू डिवाइड किया मैंने, ठीक है, वो एडजस्टमेंट किया तो हो गया ना हाफ बार लिया, इसका लॉग एस हो गया, ये भी क्या है न्यूमरेटर इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ सॉल्व किया, हाफ कॉन्स्टेंट बार लिया, ठीक है। हाँ वो देख भी लो एक बार थोड़ा सा, समझा ना, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, और डिवीजन बाय टी मतलब क्या आएगा, डिवीजन बाय टी मतलब इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, किससे, इंटीग्रेशन से, मल्टीप्लाई बाय टी डेरिवेटिव से डिवीजन बाय टी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या रहेगा एस टू इनफिनिटी, फिर सिंपलीफाई क्या, एस टू इनफिनिटी था लॉग ऑफ इनफिनिटी जीरो होता है माइनस, यहाँ पे ऐसे ही डालना, और यहाँ पे हाफ था ना, तो एम लॉग एन लॉग एम क्या होता है लॉग एम रेस टू एन ना, वो रेस टू में चलेगा। हाँ फिर ये माइनस हाफ हो गया, अच्छा माइनस है ना तो प्लस कैसे होएगा, इसको इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो अंदर का है ना तो रेसिप्रोकल कर दो प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये इवैल्यूएट वाला हो गया ना, क्यों इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी आया, ये रेस टू माइनस टी ना, अगर सेम सम है इंटीग्रेशन आया, देखो सेम टू सेम सम है, अगर सम में अभी पहले क्या था सिर्फ लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी था ना, अब सम को मैंने चेंज करके दिया, क्या 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 है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, तो बेसिकली सम क्या हो गया लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी एट एस इक्वल टू क्यू, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी होता है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, वन नहीं है ना, मतलब सबका मालिक एक ना, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो एस का वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, समझा। तो सेम सम है, वही सम ले रहा हूँ, प्रीवियस सम को मैंने थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई किया, मैंने लाप्लास की पकड़ डाल दिया जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी, एस क्या हो जाएगा बिकॉज ई रेस टू माइनस एस टी है ना फॉर्मूला, तो एस इक्वल टू वन हो गया। हाँ तो आंसर क्या है, एस क्या पे वन डाल दो, वन स्क्वायर प्लस फोर फाइव ना, रूट बेसिकली आर हाफ ऑफ लॉग रूट फाइव ना, ठीक है। बट देखो यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी नहीं लिखा, तो ऐसा सम भी आ सकता है कि जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी बाई टी, यहाँ पे ई रेस टू दिया ही नहीं है, अगर नहीं दिया ना मतलब एस क्या है जीरो, जाना का, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशनली मैंने छोड़ा था, बट एक्चुअली क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी भी है, बट ध्यान रखना अगर टी नहीं रहेगा जैसा कि मैंने लेफ्ट ऑफ किया था उसको, तो क्या आएगा आंसर एस की जगह क्या डालने का, जीरो डालने का, ठीक है। हाँ ऐसा डरना मत, अरे जीरो टू इन्फिनिटी आया ये रेशियो दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो ऐसे